नमस्कार दोस्तों, सनुषा चैनल में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक और सनुषा चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय बाबा विश्वनाथ लिखना मत भूलिएगा। आज की इस वीडियो में हम अपने महादेव की नगरी काशी यानी बनारस में माँ गंगा के किनारे बसे 84 ऐतिहासिक घाटों के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। उन्हीं में से एक राजघाट है। दोस्तों, हम काशी रेलवे स्टेशन पर हैं। थोड़ी सी दूरी पर राजघाट है। आइए चलते हैं। दोस्तों, ये राजघाट है। वर्तमान बनारस के ठीक उत्तरी छोर पर गंगा पर फैला हुआ राजघाट पुल यानी मालवीय पुल है। आइए अब संत श्री रविदास जी के मंदिर के अंदर चलते हैं। संत रविदास मंदिर करोड़ों रहदासियों के आस्था का केंद्र है। श्री गुरु संत रविदास जी 15वीं शताब्दी के दौरान भारत के एक महान संत, दार्शनिक, कवि, समाज सुधारक और ईश्वर के अनुयायी थे। वह निर्गुण संप्रदाय यानी संत परंपरा के सबसे प्रसिद्ध और अग्रणी सितारों में से एक थे और उन्होंने उत्तर भारतीय भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने अपने महान काव्य लेखन के माध्यम से अपने प्रेमियों, अनुयायियों, समुदाय के लोगों, समाज के लोगों को अपने मन को सुधारने और भगवान के प्रति अपना असीम प्रेम दिखाने के लिए कई प्रकार के आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश दिए हैं। मंदिर परिसर से माँ गंगा का विहंगम दृश्य देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। राजघाट के नजदीक ही एक बाजार है। यहाँ से खरीदारी भी कर सकते हैं। यदि आप शांति और आंतरिक शांति को महत्व देते हैं तो ये स्थान सर्वोत्तम है। आपको वाराणसी यानी हमारी काशी नगरी जरूर आना चाहिए। आप यहाँ विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों में भाग ले सकते हैं और देवताओं की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब आप माँ गंगा के संध्या प्रवाह का आनंददायी दृश्य देखिए। अगले वीडियो में काशी नगरी के अन्य घाटों के बारे में विस्तार से बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।